Hello students, welcome to Initiation of Physics. Imagine, invent, inspire. Let's start it. Today's टॉपिक इज इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कैसे किस तरह से इमेज फॉर्म करता है। हमने पिछले वीडियो क्लास में पढ़ा था कि कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है। तो अभी एक सिंपल लॉजिक यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे इमेज फॉर्म होती है। तो ये लेंस हुआ, ठीक है। तो अगर इमेज फॉर्म करना है तो ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, मतलब लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट रहता है और राइट साइड उसकी क्या हो जाती है, इमेज फॉर्म हो जाती है। राइट साइड में क्या होती है, उसकी इमेज फॉर्म हो जाती है। मिरर में हम देखते हैं ना अपनी परछाई, तो उसी तरह से यहाँ पे लेफ्ट साइड में हम ऑब्जेक्ट बन गए, लेकिन मिरर में हमारी इमेज आ रही है, मतलब वो इमेज हो गई और हम ऑब्जेक्ट हो गए। उसी तरह से लेंस के सामने हम ऑब्जेक्ट रखते हैं और ये जो लेंस के राइट साइड में आती है वो इमेज आ जाती है। क्या जाती है, इमेज। तो फर्स्ट है हमारे पास कि ऑब्जेक्ट जो रहता है वो कहाँ पे रहता है। तो हमने देखा था कि इसे दो सेंटर ऑफ कर्वेचर रहते हैं और दो क्या रहते हैं, फोकस रहते हैं, ठीक है। दो सेंटर ऑफ कर्वेचर और दो फोकस रहते हैं, और ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। हमने तीन रूल्स भी पढ़े थे इसके लिए, वो रूल्स यहाँ पे एप्लीकेबल करेंगे ताकि हमें इमेज फॉर्मेशन में दिक्कत ना हो। तो अब हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट जो वैरी करेगा यहाँ से, तो किस तरह से वैरी करेगा और उसी हिसाब से हमारी इमेज क्या आने वाली है, ठीक है। तो लॉजिक वाली बात है इसमें, कोई बड़ा रॉकेट साइंस का साइंस नहीं है कि या फिर कोई याद करने की बड़ी बात नहीं है। बस सिंपल सा आपको याद रखना है मतलब उसे अगर हम डायग्रामेटिकली देखेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। तो फर्स्ट है हमारे पास, जो हमारे पास फर्स्ट ऑब्जेक्ट आने वाला है वो एट इन्फिनिटी, ठीक है। तो सो फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। तो हम ऑब्जेक्ट कहां पे लेने वाले हैं, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट लेने वाले हैं। तो दिस इज आवर लेंस, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, ये प्रिंसिपल एक्सिस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, फोकस F1, यहाँ पे फोकस F2 और सेंटर ऑफ कर्वेचर C2। तो ध्यान में रखिए, यहाँ पे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे अगर होगा तो वो बहुत दूर होगा, और जो यहाँ से रेज निकलने वाली है वो किस तरह से निकलेंगी, स्ट्रेट निकलेंगी। कैसे निकलेंगी, स्ट्रेट निकलेंगी, और एक दूसरे को पैरेलल रहने वाली है। एक दूसरे को कैसे रहने वाली है, पैरेलल रहने वाली है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो जो रे निकलने वाली है वो स्ट्रेट है और एक दूसरे को पैरेलल है। तो हमने इस तरह से ले लिया, ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई। लेंस के थ्रू रिफ्रैक्शन होने वाला है और रिफ्रैक्शन यहाँ पे होगा। तो रिफ्रैक्शन होने के बाद हमें क्या मिलेगा कि रूल नंबर वन, अगर इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन इट पासेस थ्रू द फोकस। तो ये क्या हो जाएगा, फोकस में से पास होने वाला है। तो यहाँ पे फोकस में से पास होने वाला है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो पासिंग फ्रॉम फोकस। तो हमारा इमेज कहां मिल गया, एट द फोकस। इमेज कहां मिल गया हमें, एट द फोकस। तो अब यहां पे हम लिख लेते हैं कि क्या क्या मिल रहा है हमें। अबे ऑब्जेक्ट कहां पे, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। धीरे धीरे इसलिए बता रहा हूं कि एक बार डायग्राम अगर याद कर लिया तो हमें उसे रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। तो डायग्राम अगर समझ में आ गई अब तो इसको इजीली लिख सकते हैं। तो इमेज कहां आ रहा है हमारा, इमेज कहां आ रहा है, इज एट फोकस, ठीक है ना। इतना सिंपल हो गया। अभी देखेंगे कि ये फोकस मतलब कहां पे, F2 इज एट फोकस, F2 F1 इस साइड हो गया, तो हम यहां पे लेंगे इज एट फोकस F2। साइज ऑफ
ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी बताइए साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट बड़ा है या इमेज बड़ी? इमेज इतनी छोटी है, साइज ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, तो साइज ऑफ इमेज जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास वो बहुत ही हाईली हाईली मैग्निफाइड। ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, हाईली मैग्निफाइड मतलब बहुत बड़ा है। और उसी तरह से हमारे पास क्या आ गया, साइज ऑफ इमेज, पिन पॉइंट और पॉइंट इमेज हम बोल सकते हैं उसे, पॉइंट साइज, ठीक है ना, पॉइंट साइज छोटा सा पॉइंट साइज है ना, तो कहां पे मिल रहा है, फोकस पे, और उस किस तरह से मिल रहा है, पॉइंट साइज। अब यहां पे नेक्स्ट पॉइंट आता है नेचर ऑफ इमेज, इमेज का जो नेचर रहने वाला है वो रहने वाला है यहां पे रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर बहुत दूर से अगर रे आ रही है तो वो पैरेलल रहने वाली है, और पैरेलल रे हमें पता है बाय रूल नंबर 1 ये पासेस थ्रू द फोकस, इट पासेस थ्रू द फोकस, और यहाँ पे फोकस में से पास हो रहा है तो यहाँ पे जो इमेज मिल रही है हमें बहुत छोटी मिल रही है, तो इसे हम बोलेंगे पॉइंट साइज्ड इमेज। और जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू इमेज, तो इसे बोलेंगे हाईली मैग्निफाइड। और जो यहाँ पे नेचर ऑफ इमेज मिलने वाला है वो किस तरह से हमारे पास, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और ये ऑब्जेक्ट क्या कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है, तो इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पे, ठीक है ना, इन्फिनिटी पे, फोकस पे, ये बड़ा है, ये छोटा है, और रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, सिंपल हो गया। उसी तरह से हम देखेंगे अभी ऑब्जेक्ट को थोड़ा इन्फिनिटी से आगे लेंगे, और इन बिटवीन क्या लेंगे, C1 एंड इन्फिनिटी के बीच में लेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास सेकंड टाइप आता है कि जो ऑब्जेक्ट है इज बियॉन्ड C1 या फिर इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड C1 या फिर बियॉन्ड F2 to F1, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है ना O से ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के डिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ पे इससे दो गुना रहता है, मतलब फोकल लेंथ से दो गुना रहता है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2F1 भी लिख सकते हैं। तो अभी हमने जो ऑब्जेक्ट लेने वाले है वो लेने वाले है कि इन्फिनिटी, ये जो A पॉइंट है यहाँ पे इन्फिनिटी है, ठीक है ना, इन्फिनिटी और C1 के बीच में लेने वाले है। तो हमने ऑब्जेक्ट ले लिया इन्फिनिटी और C1 के बीच में, नाम दे दिया उसे A एंड B, ठीक है ना, A एंड B क्यों नाम दिया मैं आगे बताऊंगा आपको। तो हमने यहाँ पे नाम दे दिया A एंड B। तो फर्स्ट रूल हमारे पास क्या है कि अगर पैरेलल रे होगी तो वो फोकस में से जाने वाली है, मतलब हमने पैरेलल रे निकाल ले लिया, यहाँ पे हमने पैरेलल रे निकाल ली, तो वो कहां से जाने वाली है, पासिंग थ्रू द फोकस, सो इट विल गो फ्रॉम द फोकस, इट विल गो फ्रॉम द फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के बाद वो जाने वाली है फोकस से जाने वाली है। और सेकंड हमारे पास क्या आता है, सेकंड लॉ क्या बोलता है कि सेकंड रूल, इसका सेकंड जो रूल है वो क्या है, सेकंड रूल कि अगर ऑप्टिकल सेंटर में से पास हो रही है तो वो अनडेविएटेड ऑप्टिकल सेंटर में से ही जाने वाली है, ठीक है ना, तो अनडेविएटेड ऑप्टिकल सेंटर में से पास होगी, इसे पास करवा दिया ऑप्टिकल सेंटर में से, तो वो अनडेविएटेड ऑप्टिकल सेंटर में से जाएगी, और यहाँ पे हमें इमेज मिलने वाली है, ये इमेज स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना, तो स्ट्रेट लाइन इमेज मिलेगी, तो यहाँ पे बन जाएगा यहाँ पे बी डैश और यहाँ पे बन जाएगा ए डैश, तो यहाँ पे सीधा था यहाँ पे उल्टा बन गया, तो इसीलिए मैंने ए और बी नाम लिखे यहाँ पे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्क्रिप्शन में, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है बताइए, तो ऑब्जेक्ट है हमारा is at और is beyond, इसे लिख सकते हैं is beyond 2F1, है ना, 2F1 से दूर, मतलब C1 से आगे, C1 से आगे। तो इमेज जो मिल रही है हमें कहाँ मिल रही है, इमेज इज इन बिटवीन, दोनों में के बीच, कहाँ बीच में, या 2F2 और 2F2 के बीच में, इन बिटवीन 2F2 एंड F2 दोनों के बीच में, या फिर F2 और 2F2 के बीच में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा जो है वो C2 है, ठीक है, तो उससे आगे और इससे आगे दोनों के बीच में आ रहा है, तो इन बिटवीन क्या लिखेंगे हम, 2F2 और F2। उसके बाद आता है हमारे पास साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ पे साइज ऑफ थोड़ा बड़ा है, क्या है, थोड़ा बड़ा, ठीक
ठीक ना। तो हम इसे लिख सकते हैं, वो तो पिछली बार हमने लिखा था हाईली मैग्नीफाइड, तो यहाँ पे लिखेंगे मैग्नीफाइड, थोड़ा बड़ा है। तो साइज ऑफ इमेज, तो डिमिनिश्ड, छोटा है, इसे क्या है, छोटा है, तो इसे लिखेंगे हम डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड छोटा है, इससे छोटा आ जाएगा, तो इसे लिखेंगे डिमिनिश्ड। और जो नेचर क्या रहेगा यहाँ पे, नेचर ऑफ इमेज, दिख रहा है इसलिए रियल, एंड उल्टा है इसलिए इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। अभी देखिए, हमने ऑब्जेक्ट पहले इन्फिनिटी पे था, मतलब बहुत दूर था, ठीक है ना, यहाँ पे था बहुत दूर, तो इमेज क्या आती है हमारे पास F2 के पास। अभी ऑब्जेक्ट को हमने थोड़ा आगे कसका लिया, तो इमेज भी थोड़ी आगे चली गई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम और थोड़ा आगे ले जाएंगे तो इमेज भी थोड़ा और आगे चली जाएंगी, जो हमारे पास थर्ड टाइप।